सुल्तानपुर लोधी तो अहम खबर निकल के सामने आई है जिथे कि गुरद्वारा श्री हट साहब दे विच एक व्यक्ति मूँह ढक के अंदर दाखिल हुंदा है। पहला तो यह नतमस्तक हुंदा है, जिस तो बाद अजीब हरकतां करन लग जांदा है, जिसते नूं जिहड़ा ग्रंथी सिंह वल्लों रोकिया भी हुंदी आ, पर इस व्यक्ति दे वल्लों तेज धार हथियार दे नाल ग्रंथी सिंह ते हमला किया जाता है। इस घटना दीआं तस्वीरां सीसीटीवी विच कैद होईआं ने, उह तस्वीरां वी तुहानूं स्क्रीन ते दिखा रहे हैं। श्री सुल्तानपुर लोधी दे विच इह घटना वापरी आ जिथे कि गुरद्वारा श्री हट साहब दे विच इक व्यक्ति जिहड़ा मूँह ढक के दरबार साहब च दाखिल हुंदा है, उस तो बाद इह अजीब हरकतां करन लग पैंदा है। तो ग्रंथी सिंह जो पता लगता तो इस अगे वधण तो रोकते हैं, तो इस दौरान इस व्यक्ति दे नाल झड़प हो जाती है। तो इस दे कोल एक तेज धार हथियार हुंदा, एक चाकू टैप एक चीज़ हुंदी आ, जिस दे नाल वो ग्रंथी सिंह ते वार कर दिंदा है। वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर दिंदे आ, गुरद्वारा साहिब दे विच एक व्यक्ति दाखिल हुंदा है, इसका चेहरा ढकिया हुंदा है, पहलां तां इह नतमस्तक हुंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं, उस तो बाद इह अजीब हरकतां करन लग पैंदा है। सीसीटीवी च इह भी कैद होया है, व्यक्ति थापी मारदा होया भी नज़र आ रहा। हालांकि आपस दे विच उस समय की गलबात हुई, पर इस दीआं हरकतां अजीब सी। यही जिहड़ा ग्रंथी सिंह दा बयान सामने आया, जिस तों बाद इहनूं रोकिया जांदा है ते इस दे नाल झड़प हुंदी आ। दरबार साहिब दे विच जिहड़े रागी सिंह सी कीर्तन कर रहे हुंदे ने, बैठे हुंदे ने, तां उह भी उठ के खड़े हो जांदे ने। इस दौरान माहौल पूरी तरह दे नाल अंदर भी भख जांदा है, तां इस नूं मौके ते ही काबू कर लिया जांदा है। तां इस घटना दे विच ग्रंथी सिंह भी जख्मी होया, जिथे कि उसका इलाज चल रहा है। इस नूं फड़ के व्यक्ति नूं पुलिस दे हवाले कर दिता है, ते पुलिस वख-वख पहलुआं तों जांच कर रही है कि आखिरकार यह व्यक्ति किस तरीके दे नाल, किस मनसा दे नाल उत्थे पहुंचिया सी, कि कोई वड्डी वारदात करन बेअदबी करन आया सी। इस बारे बरीकी दे नाल पुलिस जांच कर रही है, इस नूं गिरफ्तार कर लिया है। तुहानूं इक वार सुल्तानपुर लोधी दे विच वड्डी घटना वापरी आ, जिथे कि गुरद्वारा श्री हट साहब दे विच एक व्यक्ति मूँह ढक के अंदर दाखिल हुंदा है, इस तो बाद यह व्यक्ति अजीब हरकतां करन लग जांदा है। उस तो बाद जिहड़े ग्रंथी सिंह सी उह अगे वधदे ने, इस नूं अगे वधण तो रोकदे ने, तां इह हथों पाई करन लग जांदा। इस दे कोल एक तेज धार हथियार हुंदा, चाकू टैप एक चीज़ हुंदी आ, उस दे नाल इह ग्रंथी सिंह ते वार कर दिंदा है। इस झड़प दीआं कुछ तस्वीरां भी असीं स्क्रीन ते तुहानूं दिखा रहे हां, ते पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इह व्यक्ति दे वल्लों अजिहा क्यों किया गया, क्योंकि बेअदबी दीआं घटनावां लगातार सामने आ रही ने। अजिहे दे विच जदों इहदा मूँह ढकिया होया सी, जदों इसदीआं हरकतां अजीब सी, तां करके ही ग्रंथी सिंह दे वल्लों इस नूं अगे वधण तों रोकिया गया है। ग्रंथी सिंह दा की कहना ते पुलिस इस मामले विच की कार्रवाई कर रही है, तुसीं उह वी सुणो। मैं अमृतपाल सिंह, गुरद्वारा श्री हट साहिब जी विखे ग्रंथी सिंह दी वजों सेवावां निभा रहा हाँ। सो कल मिती तकरीबन 18 नूं शाम दे 7 बजे एक कोई अणपछाती व्यक्ति मूँह लपेट के, जिसने अपना पूरा मूँह कवर किया होया सी, ते दरबार साहिब दे विच एंटर हुंदा है। जदों उह एंटर होया तो सानूं शक होया कि यह कोई शरारती अंसर है, ते जदों उसने मत्था टेकिया तां मत्था टेकदे ही उसने थापियां मारनियां शुरू कर दियां, ते तुरंत ही रागी सिंघां वल वधदा होया ते जो जंगला लगा सी गुरु साहिब दे परिक्रमा विच उस नूं दौड़िया, ते फिर उस तों बाद असीं उस नूं फड़ के बाहर लैके जाण दी कोशिश कीती। फिर उसने अपने तेज हथियार दे नाल मेरे ते हमला कीता, जिस दौरान मेरे काफ़ी सट लगी, पर फिर भी सट लगन के बावजूद भी उस नूं असीं गुरु की हजूरी वल नहीं जाण दिता। सेवादारां दी मदद नाल, रागी सिंघां दी मदद नाल असीं उस नूं दरबार साहिब विच बाहर लै आंदा, ते बाकी गुरु साहिब दी कृपा अनुसार कोई जो वड्डी घटना नूं अंजाम देण वाला सी उस तों बचाव हो गया। गुरु नानक साहिब जी दी कृपा हुई है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਣਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਣਕਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ
या कोई भी अभी नवी हो सकती सी या कुछ भी संगत के सहयोग नाल उसनू बाहर कढ़ के जो वड्डी घटना अंजाम देने वाला सी उस तो गुरु नानक साहब की कृपा दे नाल बचा होया। जो मैनू अज पता लगा सवेरे मैं अखबार में वेख्या गुरद्वारा हट साहब सुल्तानपुर लोधी विखे एक व्यक्ति ने हुंदड़बाजी करके कोई साढ़े ग्रंथी साहब के नाल सट मारी आ, तो मैं तुरंत इतने इन्हों का पता लैन वास्ते आया और जिमें मैं वेख्या मैनू दस्या इन्हों ने, मैं मूवी भी उहदी वेखी कि एक व्यक्ति जिहड़ा अपना मूँह बन्निया होया सी उहने बिल्कुल मूँह ढकिया होया सीगा, वह जो गुरद्वारा हट साहब विखे अंदर एंटर होया मत्था टेकया, मत्था टेकदे सारे उठदा होया वो थापियां मारनियां शुरू कर दित्तियां, तो जो महाराज जी ताबा ग्रंथी साहब बैठे सन जां साडे रागी सिंह जां सेवादार ते समुची संगत जिहड़ी उत्थे बैठी सी उहनां ने उहनूं रोकण दे जतन कीते पर उहनूं खिच खुच के बाहर लगाए, पर उहनें अपने तेज हथियार दे नाल जिहड़ा साडे ग्रंथी सिंह ते हमला कर दिता उहदे सट भी लगी आ, एक साडे सेवादार दे होर सट लगी आ, सो उहनां तों बाद जिहड़े मैनेजर साहब आ गुरद्वारा बेर साहब दे सरदार जरनैल सिंह जी वो तुरंत उत्थे पहुँचे ते उस नूं जिहड़ा वो तलाह दित्ती गई ते उस मुलजम नूं जिहड़ा वो पुलिस दे हवाले कर दिता। पर मैं समझदा कि जिवें मैं वेख्या जिवें मैं आके इहनूं ग्रंथी साहिब नूं पुछया उत्थों ये जापदा कि पूरी वो कोई वड्डी जिहड़ी घटना करन दा प्लैन बना के आया लगता है, क्योंकि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे नूं जिथे हर प्रेमी संगत निम्रता दे नाल सी चुकाउंदी आ उत्थे आके थापियां मारनियां, ये मैं संगदा बहुत मनभागी गल आ। सो मैं प्रशासक नूं बतौर SGPC मैंबर बेनती करदा कि ये जिहड़ियां घटनावां दिनों दिन इतिहासक गुरद्वारियां विच हो रहियां वा इहदे वल बहुत चेचा तौर ते ध्यान दे के इहदी उच्च पद्धरी जिहड़ी आ जांच होनी चाहिए आ, तो जिहड़ा वा गुरद्वारियां दी राखी होनी चाहिए आ, इहो जे जिहड़े शरारती लोग ने इहनां नूं कदड़ी तरह सख्ती तरह नत्थ पाउणी चाहिए आ। इहनां शब्दां नाल खिमा चाहुंदा, वाहिगुरू जी का खालसा। कल सानूं शाम नूं इनफॉर्मेशन आई सी कि एक व्यक्ति आ जिहड़ा उत्थे वड़ गया है ते उहने जिहड़ा ग्रंथी सिंह उत्ते हमला किया है, इस बाबत जिहड़ी पुलिस है उत्थे मौके ते पहुंची ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜੋ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ